मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न वितरण के माध्यम से योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की शुरुआत कर रहा है। इसके लिए 80,000 मॉडल शॉप संचालकों को भी बधाई। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर गरीब को उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 से पहले एक चुनौती थी, जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था। उनके नाम पर राशन कार्ड होता था, लेकिन उसे पता नहीं होता था उसके नाम राशन कार्ड कोई और डाकर ले जाता है। 2017 से पहले प्रदेश के कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी। जब खाद और रसद विभाग में तकनीक का प्रयोग किया गया तो पारदर्शिता आई। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण किया और 69,000 उचित दर दुकानों पर ई वेइंग स्केल लिंक्ड ई पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर गरीब को उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 से पहले एक चुनौती थी, जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था। उनके नाम पर राशन कार्ड होता था, लेकिन उसे पता ही नहीं होता था उसके नाम का राशन कार्ड कोई और डकार जाता था। 2017 से पहले प्रदेश के कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी। जब खाद और रसद विभाग में तकनीक का प्रयोग किया गया तो पारदर्शिता आई। मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में 1100 अन्नपूर्णा भवनों के लोकार्पण और 69,000 उचित दर दुकानों पर ई वेइंग स्केल लिंक्ड ई पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले FCI गोदाम से आया राशन बीच रास्ते से गायब हो जाता था, अब नहीं हो पाएगा। लखनऊ से ही निगरानी कर सकेंगे कि FCI के गोदाम से निकला राशन सीधे खाद्य की दुकान पर जा रहा है। जो परिवर्तन अब देख रहे हैं वो 2014 से पहले असंभव था। इस तरह की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बिना भेदभाव के सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिला, इसी को सुशासन कहते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर गरीब को उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 से पहले एक चुनौती थी, जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था। उनके नाम पर राशन कार्ड होता था, लेकिन उसे पता ही नहीं होता था उसके नाम का राशन कार्ड कोई और डकार जाता था। 2017 से पहले प्रदेश के कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी। जब खाद और रसद विभाग में तकनीक का प्रयोग किया गया तो पारदर्शिता आई। मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में 1100 अन्नपूर्णा भवनों के लोकार्पण और 69,000 उचित दर दुकानों पर ई वेइंग स्केल लिंक्ड ई पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले FCI गोदाम से आया राशन बीच रास्ते से गायब हो जाता था, अब नहीं हो पाएगा। लखनऊ से ही निगरानी कर सकेंगे कि FCI के गोदाम से निकला राशन सीधे खाद्य की दुकान पर जा रहा है। जो परिवर्तन अब देख रहे हैं वो 2014 से पहले असंभव था। इस तरह की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बिना भेदभाव के सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिला, इसी को सुशासन कहते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर गरीब को उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 से पहले एक चुनौती थी, जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था। उनके नाम पर राशन कार्ड होता था, लेकिन उसे पता ही नहीं होता था उसके नाम का राशन कार्ड कोई और डकार जाता था। 2017 से पहले प्रदेश के कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी। जब खाद और रसद विभाग में तकनीक का प्रयोग किया गया तो पारदर्शिता आई। मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में 1100 अन्नपूर्णा भवनों के लोकार्पण और 69,000 उचित दर दुकानों पर ई वेइंग स्केल लिंक्ड ई पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले FCI गोदाम से आया राशन बीच रास्ते से गायब हो जाता था, अब नहीं हो पाएगा। लखनऊ से ही निगरानी कर सकेंगे कि FCI के गोदाम से निकला राशन सीधे खाद्य की दुकान पर जा रहा है। जो परिवर्तन अब देख रहे हैं वो 2014 से पहले असंभव था। इस तरह की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बिना भेदभाव के सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिला, इसी को सुशासन कहते हैं। जब सरकार संवेदनशील होती है तो सरकार आपको सुरक्षा भी देती है और सरकार आपकी समृद्धि का द्वार भी खोलती है और सरकार आपको गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करती है।
और यही तो हुआ है, डबल इंजन की सरकार इसीलिए डबल स्पीड से काम कर पा रही है, क्योंकि यहां पे एक ही लक्ष्य है सबका, और वह है विकास भी होना है, सुरक्षा भी देनी है, समृद्धि भी लानी है, और गरीब कल्याण के कार्य को भी बिना भेदभाव के करना है। इतना बड़ा कार्य एक साथ हो रहा है। ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा योजना के अंतर्गत, पहले मनरेगा का मतलब क्या होता था, 17 के पहले यूपी में पहले एक तालाब खुदता था और अगली बार काम नहीं तो कहते थे कि भाई अब ये काम करो, इस तालाब को पार डालो, फिर अगली बार उस तालाब को फिर खोदो, तो पूरा पैसा तालाब को खोदने पाटने और फिर खोदने में ही लग जाता था। अब देखिए काम हो गया तो अन्य कार्य के अलावा अब क्या काम होना है, भाई अब गांव में एक मॉडल अन्नपूर्णा भवन बनाओ, अन्नपूर्णा भवन का मतलब मॉडल एंटरप्राइज शॉप, एक साथ सभी प्रकार की सुविधाएं मिल गई, सभी प्रकार की सुविधा गांव में लोगों को रोजगार भी और अन्य प्रकार के। आप देखिए ना, राशन कार्ड की दुकान में एक व्यक्ति राशन बेचने में और सामान बेचने में लग गया, एक वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने को एक व्यक्ति को वहां जिम्मेदारी मिलेगी, अन्य लोग तमाम प्रकार के अन्य कार्यों के साथ वहां जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छी सुविधा वहां के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और यह कार्य आज एक साथ यहां पे ग्राम्य विकास विभाग और खाद्य एवं रसद विभाग मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, मैं इसके लिए दोनों विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम हो रहा है, यह विजन के लिए जिसका लाभ हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोग लेने जा रहे हैं, इन सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।